में होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह बस से पहुंच गए। दंतेवाड़ा रवाना होने से पहले जगदलपुर में रमन सिंह ने बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की। रमन सिंह ने कहा है कि भीमा मंडावी की पत्नी ओजस्वी मंडावी को पार्टी ने टिकट दिया है, बीजेपी की पूरी टीम उनके साथ है और वे भारी बहुमत से जीतेंगी। दंतेवाड़ा में बीजेपी के 15 सालों में किए तमाम विकास कार्य चुनाव के लिए अहम मुद्दे रहेंगे। वही रमन सिंह ने अमित जोगी पर गिरफ्तारी पर चुटकी लेते हुए कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी का अमित जोगी की गिरफ्तारी से कोई लेना देना नहीं है। पूरी टीम के साथ हम लोग आज नामांकन करेंगे और उत्साह के साथ वातावरण रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी का दंतेवाड़ा, क्योंकि परंपरागत हमारी सीट रही है और बस्तर में एकमात्र सीट है जिसमें हम आगे बढ़ के इस चुनाव में विजयी हुए थे, तो इस बार भी चुनाव में एक भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी। कोरिया के एक